हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ है और वेलकम टू माय चैनल आसिफ कार वीडियोज़। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे अपग्रेड किया जाए। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो के लिए सर्च किया है और मैंने फेसबुक पे रिसेंटली एक पोस्ट भी पढ़ा था जिसने न्यूअर वर्जन डिज़ायर के लिए उन्होंने पूछा था कि बेसिक से VDI का क्लस्टर अपग्रेड कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अपग्रेड किया है और चल रहा है। अगर आपकी फर्स्ट जेन वाली स्विफ्ट हो, जो अगर आप स्विफ्ट देखें, स्विफ्ट डिज़ायर में देखेंगे जो लंबी बूट स्पेस वाला है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका प्रोसीजर पता नहीं। उसमें आप RPM गेज सेपरेटली ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो EPS यूनिट, जो पावर स्टीयरिंग वाला यूनिट है, उसके लिए उसमें RPM सिग्नल आता था। तो आप उधर से कनेक्शन लेके रिट्स का या कोई एक RPM मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि इस वर्जन वाली डिज़ायर में मैंने बहुत सारे वायर्स मैंने ढूंढने की कोशिश की, ऑनलाइन भी बहुत मैंने रिसर्च किया, मुझे RPM सिग्नल कहीं पर नहीं मिला इस गाड़ी पर, जहां तक मैं जान सकता हूं होम रिसर्च के बेस्ड पे। तो मैंने ECM के भी वायर्स, एक दो वायर्स मैंने कट करके मैंने चेक किया, उधर भी मुझे RPM का सिग्नल नहीं मिला। तो फाइनली मैंने भी एक्चुअली एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें नई स्विफ्ट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बस एक्सचेंज करने पर अपग्रेड हुआ था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली मेरी टूर एस वर्जन गाड़ी है। एक्चुअली कैब पर्पज़ के लिए ली थी मैंने गाड़ी है। सो ये मेरी टूर एस वर्जन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये बेसिक वेरिएंट है। सो देखिए, ये रहा मेरा AC पैनल और इसमें मुझे डिफॉगर अवेलेबल नहीं है और मैनुअल AC है। और अगर आप पीछे डोर्स में देख सकते हैं तो पावर विंडो का स्विच मुझे कंपनी से नहीं मिला है, मैंने आफ्टर मार्केट स्विच डलाया हुआ है। तो इस रीज़न से आप लोगों को पता चल गया है कि ये मेरी टूर एस मॉडल है। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चलिए मैं इंजन तरफ दिखाता हूँ आपको। आपको दिखाने वाला था, ये मेरी अकेला नॉन ABS मॉडल वाली कार है। तो ये देखिए, ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है ब्रेक सर्वो से। तो ये मेरी नॉन ABS मॉडल वाली व्हीकल है। और ये ग्रिल भी देख सकते हैं आपको, मुझे प्लास्टिक ब्लैक मिला है बिना क्रोम के। और ये साइड इंडिकेटर्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गया, मैंने सारा आपको डिटेल्स दिखा दिया कि ये मेरी टूरिस्ट मॉडल है। तो इसके लिए अभी आप इस मॉडल में अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपग्रेड करेंगे, इस या न्यू जेन वाली डिज़ायर में भी करेंगे, तो आपको कुछ वायरिंग कट करना नहीं पड़ेगा, RPM के लिए भी आपको कुछ नहीं पड़ना पड़ेगा। जस्ट आपको एक नया वाला या सेकेंड हैंड वर्किंग क्लस्टर आपको लेना पड़ेगा और बस उसको लेके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये मैंने शिवाजी नगर, हमारा बेंगलोर वाला शिवाजी नगर पे मैंने सेकेंड हैंड में ये क्लस्टर लिया था और ये मेरे को अंदाजनली पड़ा था 3500 वर्किंग कंडीशन में। तो ये एक्चुअली VDI वाला क्लस्टर है, ZDI वाला नहीं। तो इसमें एक्चुअली ये ABS मॉडल वाला क्लस्टर है। तो चलिए मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जस्ट देखिए, ये सेम LDI और ये टूर या LDI वाला क्लस्टर और ये वाला क्लस्टर सेम आता है। जस्ट आपको उसका कनेक्टर निकाल के इसको फिट कर देना है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्लस्टर अपग्रेड करने के लिए आपको क्लस्टर कवर निकालना पड़ेगा। ये कवर आके प्रेस फिट होता है और थर्ड जेन डिज़ायर के लिए एक्चुअली प्रोसीजर पता नहीं है, मोस्टली उसके लिए भी पुल ही आएगा। तो चलिए मैं जस्ट पुल करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, पुल करने से ये आपको कवर को निकल जाएगा। और देखिए, ये वाला हमारा क्लस्टर है। तो इसको ओपन करने के लिए टोटल 2 स्क्रूज मिलेंगे आपको, इधर और इधर। चलिए दोनों ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये स्टार शेप स्क्रूज आते हैं। तो ये आप एक स्क्रूज ओपन कर सकते हैं। सो स्क्रूज निकालने के बाद जस्ट आपको पुल करने हैं, क्योंकि इधर पीछे 2 प्लास्टिक लॉक्स बैठे रहते हैं। ये देखिए, ये वाला इस जगह पर बैठे रहते हैं। सो जस्ट पुल करेंगे तो ये आपका क्लस्टर ओपन निकल जाएगा। ऑब्वियसली इधर आपको इसका जो बड़ा कनेक्टर है निकलेगा, ये आके प्रेस फिट रहता है। तो ये देखिए, बस आप प्रेस करके केबल को निकाल देना है। ये थोड़ा हार्ड रहेगा क्योंकि इतने दिनों से ये इंस्टॉल्ड रहता है। तो देखिए, ये वाला हमारा क्लस्टर हो गया, निकल गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे दोनों क्लस्टर्स। दोनों सेम साइज़ के आते हैं, जस्ट डायल जो और जो मदरबोर्ड है वो चेंज करते हैं ये लोग, और दोनों कंपैटिबल रहते हैं कि बेसिक मॉडल को भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्लस्टर, इधर मैं फिट बिठाता हूँ। और सबसे पहले जो है हम लोग कनेक्टर इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा क्लस्टर का कनेक्टर हो गया। देखिए, एक क्लस्टर का कनेक्टर भी फिट हो जाता है। और ये वायर कुछ नहीं है, ये मेरी ऑक्सिलरी माइक की है जो मेरे टैप के साथ अवेलेबल है। वो इसका वर्किंग भी नहीं दिखाया, ये देखिए जेन्युइन वाला वर्किंग।
तो ये हो गया हमारा क्लस्टर ऑन और डिस्प्ले भी डिस्प्ले मेरा वर्क हो रहा है और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये हो गई मेरी गाड़ी स्टार्ट। तो चलिए हम चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स क्लस्टर चेंज करने के बाद सेम आपको इधर से देखिए दो लॉक्स रहते हैं, दोनों प्रेस फिट रहते हैं, आप स्ट्रेट रख के फिट कर दे सकते हैं। देखिए इस साइड भी आपको सेम वाला लॉक आएगा। इसके बाद जस्ट आपको आप जो दो स्क्रूज हैं दो स्क्रू दोनों तरफ इंस्टॉल करने होंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्लस्टर इंस्टॉल और इसके बाद जो है हम लोगों को अपना बैक कवर फिट करना है। तो ये जो कवर है ये फिट करने के लिए बस आप करेक्ट पोजीशन में स्ट्रेट रख के बस आपको पुश कर देना है। देखिए इस तरह से अगर आप पुश कर देंगे तो ये बैठ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लीन फ्लीट क्लस्टर। चलिए अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्लस्टर सारा वर्किंग है और सारे इंडिकेटर्स बाय डिफ़ॉल्ट काम करेंगे। तो हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये हो गया हमारा आरपीएम मीटर रेज और कूलेंट। अभी मेरी गाड़ी एक्चुअली खड़ी है तो इसीलिए कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो लो पर है और फ्यूल जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्यूल भी रेज हुआ है। और हमारे सारे डिस्प्ले फंक्शंस जो कि ट्रिप ए बी और जो फ्यूल इकोनॉमी का रिलेटेड आता है, देखिए एवरेज सभी, अभी क्योंकि क्लस्टर रीसेट हुआ है ये देखा नहीं दिखाई देगा, गाड़ी चलाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो और ये देखिए हमारा, तो ये हो गया और ये दे रहा हमारा बैकलाइट और ये हमारा हाई बीम। लेफ्ट इंडिकेटर भी काम करता है, राइट इंडिकेटर काम करता है। और रही बात और मैंने जो एरर के बारे में आपको बताया था, ये जो एबीएस और ब्रेक लाइट है ना ये कभी भी ऑन रहते हैं, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको ये मेरी नॉन एबीएस वाली मॉडल है तो एबीएस डिवाइस ना डिटेक्ट करने के कारण ये दो लाइट परमानेंट ऑन रहते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेक निकाल के गाड़ी चलाएंगे तो किसी तरह का बज़र नहीं आएगा, अगर आप ब्रेक ऑन करेंगे तभी बज़र आएगा। सो इसके अलावा आपको कुछ ड्राइविंग में कुछ फॉल्ट नहीं आया। मैं भी ऑलमोस्ट मोर देन सिक्स मंथ्स मैंने गाड़ी चलाया है ये क्लस्टर पर, तो मुझे तो आज तक कुछ फॉल्ट, ब्रेक का फॉल्ट भी कुछ नहीं आया है। तो बस मैंने वीडियो के लिए आपको क्लस्टर चेंज करके दिखाया था तो इतना सा सिंपल रहेगा। और ये जो बैकलाइट जो वाइट है ये मैंने बहुत क्लस्टर लेने के टाइम ही मैंने चेंज कर दिया था वाइट को, क्योंकि मुझे सियाज की तरह बहुत पसंद था और सियाज का क्लस्टर इसे नहीं फिट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने डिज़ायर को लेकर अपने ब्लैक लाइट सारे और वाइट कर दिए थे। तो फ्रेंड्स इसकी जो ड्राइविंग वाली वीडियो है, मैं अभी लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम पे क्योंकि मैं बाहर किधर भी नहीं जा सकता हूँ, मैं घर के पास ही खड़ा हूँ। तो ड्राइविंग वाली जो मेरी प्रीवियस वीडियो है आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो वीडियो को फॉलो कर उधर ड्राइविंग से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्विफ्ट डिज़ायर रिलेटेड जो है ना मेरे वीडियो मॉडिफिकेशन वाले वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो कृपया आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये देखिए हमारा आरपीएम मीटर, देखिए इस तरह से मैंने ऑलरेडी एक एसी पैनल का बैकलाइट चेंज किया है मैंने, और बहुत सारे इस तरह के मैंने छोटे मोटे वीडियोस बनाए हुए हैं तो कृपया ध्यान कर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो हमारी इधर भी ख़त्म होती है। तो ये रहा हमारा स्विफ्ट डिज़ायर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपग्रेड करने के लिए। अगर आप नया क्लस्टर लेंगे तो आपको करीबन 7000 मिलेगा, अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो आपको आपके मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप सेकेंड हैंड भी डाल सकते हैं या नया भी डाल सकते हैं। नया डालेंगे तो आपको किलोमीटर ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ये क्लस्टर जब मैंने लिया था तो 1,43,000 था, उसका भी मैं इमेज इन बिटवीन वीडियो अभी शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और तरह की भी वीडियो अगर आप चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ट्राई करके वीडियो डालूंगा। जैसे कि मेरी टूर वर्जन है और मुझे इलेक्ट्रिक मिरर्स चाहिए थे, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक मिरर्स विथ ऑटो फोल्ड। तो ये विथ इंडिकेटर भी काम कर रहा है, इसके लिए भी मैंने वायरिंग की है। तो अगर आपको इस तरह की हुई और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी पोस्ट करूँगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव